Good afternoon, all of you. So, today we are going to start with September 2019. So, September 2019, it has ten questions. सो so, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स एंड मीन म्यू डिफाइन द फॉलोइंग रिस्क मेजर्स शॉर्टफॉल फॉल प्रोबेबिलिटी बेलो एल वैल्यू एट रिस्क एट दी डाउन साइड सेमी वेरियंट ये तुम लोग कर लेना एन एक्चुअरियल स्टूडेंट इज सेविंग अप टू बाय अ कार ही करेंटली हैज नाइन थाउजेंड पाउंड एंड ही नीड्स टेन थाउजेंड टू बाय द कार देर आर थ्री ऑप्शन फॉर सेविंग उसके पास में कितना है नाइन थाउजेंड उसको चाहिए कितना टेन थाउजेंड अ बैंक अकाउंट पेइंग अ गारंटी टेन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट रेट ठीक है एंड इक्विटी फंड हुज रिटर्न आर गौजन नींद स्टैंडर्डिविएशन दे दिए अ गैम्बल दैट विल रिटर्न डबल दी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थ प्रोबेबिलिटी सिक्सटी फाइव परसेंट और लूज दर इन्वेस्टमेंट अदरवाइज अज्यूम दट दि स्टूडेंट कैन इन्वेस्ट एंटायर से सिंगल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैल्क्युलेट फॉर ईच ऑफ दी थ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर अ वन ईयर टाइम होराइजन द शॉर्ट फॉल प्रोबेबिलिटी बिलो टेन थाउजेंड दैल्यू एट रिस्क एट दी फाइव परसेंट लेवल ठीक है पार्ट so टू में देखना बैंक अकाउंट में क्या होगा नाइन थाउजेंड इंटू वन पॉइंट वन तो ये अपना होता है नौ हजार नौ सौ तो दस हजार के नीचे होगा इसका हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी है दूसरा वाला में क्या होगा प्रोबेबिलिटी हम लोग को बोला इक्विटी फंड रिटर्न्स और गौजन सो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं 9000 into 1 plus x is less than 10,000. So, this is probability 1 plus x is less than 10 by 9. So, this is equal to probability x is less than 10 by 9 minus 1. ठीक है अब इसको स्टैंडर्डाइज कर लो और आंसर निकाल लो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन टेन बाय नाइन माइनस वन माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव बाय ठीक है ना इसको सॉल्व कर लो अ गैम्बल That विल रिटर्न डबल दी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट with probability सिक्सटी फाइव परसेंट सो इसका मतलब थर्टी फाइव परसेंट है देखो इसका हम लोग क्या बना सकते हैं नाइन थाउजेंड का हो जाएगा एटीन थाउजेंड या फिर जीरो सो डबल एटीन थाउजेंड का हो जाएगा सिक्सटी फाइव परसेंट और इसका हो जाएगा थर्टी फाइव परसेंट ठीक है तो थर्टी फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि दस हजार के नीचे रहेगा फिर हम लोग को बोला है वैल्यू एट रिस्क सो सेवेंटी फाइव परसेंट लेवल वैल्यू एट रिस्क बैंक so अकाउंट के लिए तो नौ हजार नौ सौ हो जाएगा राइट right? क्योंकि सर्टेन है सर्टेन है ठीक है सर्टेन है मतलब हंड्रेड परसेंट चांस है कि नौ हजार नौ सौ होगा एंड जीरो परसेंट चांस है कि जीरो होगा मैंने इसको छोड़कर कुछ हो ही नहीं सकता है ना तो यही होगा मेरा मतलब नौ हजार नौ सौ ही होगा मैंने इसको छोड़ के और कोई आउटकम हो ही नहीं सकता है बैंक अकाउंट में तो इसको छोड़ के बैंक अकाउंट में और कोई कुछ हो ही नहीं सकता है सो so, बैंक अकाउंट के लिए मेरा वैल्यू एड्रेस यही रहेगा दूसरा वाला में प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव प्रोबेबिलिटी इज लेस देन टी माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव बाय जीरो पॉइंट वन फाइव इज जीरो पॉइंट टू फाइव सो यहां से टी माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव बाय जीरो पॉइंट वन फाइव तो यहां से हम लोग को देखना पड़ेगा 25% परसेंट का वैल्यू देख के उसको माइनस में लगा के टी का वैल्यू क्या आएगा यहां से सॉल्व कर लेंगे हम लोग अब जैसे ट्वेंटी फाइव परसेंट का वैल्यू क्या होता है टेबल बुक का आइए पेज नंबर वन सिक्सटी टू में जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव है तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा जो टी का जो वैल्यू है वो आएगा 0.0488 पॉइंट जीरो फोर डबल एट ठीक है अब मेरा जो वॉर आएगा वो आएगा 9000 थाउजेंड टी का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब और नेगेटिव है तो फंड वैल्यू सो so, वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर एट एट तो ये मेरा जो आ रहा है नाइन फोर थ्री नाइन अब ये नाइन फोर थ्री नाइन का मतलब क्या समझना नाइन फोर थ्री नाइन का मतलब क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस है कि मेरा जो फंड वैल्यू है वो नाइन फोर थ्री नाइन से कम रहेगा एंड सेवेंटी फाइव परसेंट चांस है कि मेरा जो फंड वैल्यू है वो नाइन फोर थ्री नाइन से ज्यादा रहेगा अब गैम्बल वाले में देखो क्या बोल रहे हैं या तो प्लस नाइन थाउजेंड होगा या फिर माइनस नाइन थाउजेंड होगा यही बोल रहा है उसमें राइट सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन माइनस नाइन थाउजेंड यह जीरो होगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन नाइन थाउजेंड ये तुम्हारा होगा 0.35 और अपने को चाहिए 25 परसेंट अपने को चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट तो यह वाला आएगा यह वाला आएगा यह मेरा आ जाएगा टी एंड सिंस टी का वैल्यू है मेरा माइनस नाइन थाउजेंड तो वॉर मेरा आ जाएगा नाइन थाउजेंड एक्स इज लेस देन टी सच दैट should be less than equal to p माने closest कौन सा है माने closest बोले 25% एक्सीड नहीं करना चाहिए तो या तो 0 है या फिर 0.35 है तो 0 वाला को लेंगे मतलब ये मेरा का वैल्यू हो गया ठीक है और वैसे सिंपल भी है ये सिंपल कैसे है 35% चांस ऑफ एंडिंग विथ नथिंग सो वॉर मेरा आ जाएगा नाइन थाउजेंड रेकमेंड विथ रीजन एंड अप्रोप्रियट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द स्टूडेंट द टू रिस्क मेजर्स आर नॉट कंक्लूसिव एंड नीट सजेस्ट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट वुड बी बेस्ट इन रियालिटी द बैंक अकाउंट डिलीवर्स नियरली इनफ मनी विथ नो रिस्क ठीक है सो द स्टूडेंट माइट बी बेस्ट टू आइदर इन्वेस्ट होली इन द बैंक अकाउंट एंड वेट अ लिटिल लॉन्गर टू बाय द कार क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम बैंक अकाउंट में थोड़ा टाइम और इन्वेस्ट करो और फिर तुम गाड़ी खरीदो और इफ अलाउट टू स्प्लिट द इनवेस्टमेंट इन्वेस्ट मोस्टली इन द बैंक इन द शेयर विदिफरेंट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल दल प्रोबेबिलिटी एज इट एज्यूम ऑल द स्टूडेंट केयर्स अबाउट इज रीचिंग टेन के ओवर वन ईयर मैंने किसी ना किसी हाल में उसका मकसद है कि उसे दस हजार तक पहुंचना ही है ठीक है द स्टूडेंट माइट ऑल्सो कंसिडर द साइज ऑफ एनी शॉर्ट फॉर सरप्लस इफ द स्टूडेंट ओनली नीड्स नीड्सेंड इट मेक्स नो सेंस टू इन्वेस्ट मोर देन इन दे गैम्बल पांच हजार से ज्यादा गैम्बल में तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पांच हजार का डबल इज वॉट पांच हजार का डबल इज टेन थाउजेंड ग्यारह नंबर का क्वेश्चन है आइए क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे सिलेबस पे नहीं है ठीक है तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर टू में स्टेट द फोर की फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड द की फीचर्स डिस्क्रीट में कभी भी अगर वॉर निकालने बोलेगा तो हम लोग लोअर से चालू करेंगे ठीक है मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इसको चालू करने से पहले जैसे मान लो आ... एग्जाम्पल है तुम्हारा अब जैसे कैसे समझाए तुम लोग को मान लेते हैं ना कि माइनस हंड्रेड परसेंट है इसका प्रोबेबिलिटी है दो परसेंट माइनस सेवेंटी परसेंट है इसका प्रोबेबिलिटी है दस परसेंट माइनस फिफ्टी परसेंट है ट्वेंटी परसेंट माइनस ट्वेंटी परसेंट है कितना हो गया बीस बीस दस फिफ्टी फिफ्टी टू जीरो परसेंट है इसका प्रोबेबिलिटी है दस परसेंट एंड पांच परसेंट है इसका प्रोबेबिलिटी है uh, समझा आप जैसे डिस्क्रीट में निकालना है मान लो नाइनटी नाइन परसेंट वॉर निकालने बोलता है तो हम लोग नीचे से चालू करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन माइनस हंड्रेड परसेंट इज जीरोस देन माइनस सेवेंटी परसेंट तो सेवेंटी परसेंट के नीचे क्या हो सकता है हंड्रेड परसेंट तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा दो परसेंट अब अपने को चाहिए था वन परसेंट तो वन परसेंट के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है वन परसेंट के सबसे ज्यादा क्लोज है ये हंड्रेड परसेंट तो मेरा टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस हंड्रेड परसेंट और मेरा वॉर हो जाएगा हंड्रेड परसेंट मतलब जो पैसा लगाया पूरा नुकसान यही अगर मान लो 99% परसेंट नहीं बोलता 95 परसेंट बोलता तो पांच परसेंट के लिए खोजते तो यहां पर नहीं रुकते सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन माइनस फिफ्टी परसेंट अब जैसे 50 परसेंट में तो ये दोनों ऐड हो जाएगा समझा तो so, यहां पर मेरा आएगा 12 परसेंट अब देखो पांच परसेंट कौन सा होगा आप पांच परसेंट के ज्यादा नहीं हो सकता तो ये वाला लेंगे यही हमको बोलता दस परसेंट तो भी यही वाला लेते यही हमको बोलता पंद्रह परसेंट तो फिर हम लोग ये वाला लेते क्योंकि जब हम लोग फिर इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो थर्टी टू परसेंट हो जाएगा है डिस्क्रीट वाला बहुत सिंपल है नीचे से चालू करेंगे मतलब तो क्वेश्चन नंबर टू में

प्लस ए टी डी टी एटी इज अ डिटर्मिनेस्टिक प्रोसेस एंड वाई टी इज स्टोकास्टिक प्रोसेस एडेप्टेड टू द नेचुरल फिल्ट्रेशन बी टी फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है वैल्यू मैंने उसके अंदर सारा डेटा है फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है उसके ऊपर उसके अंदर में सारा डेटा है उस पॉइंट तक का राइट ऑन दईटीओस लेमा फॉर एफ टी एक्स टी आईटीओ लेमा क्या हो जाएगा डी एफ टी एक्स टी इज इक्वल टू डेल एफ इनटू इंटू डी टी प्लस डेल एफ डेल एक्स टी इंटू डीएक्सटी प्लस हाफ डेल टू एफ डेल एक्स टी स्क्वेर इंटू टी स्क्वायर ठीक है अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा जैसे Dxt वाला पूरा डालना पड़ेगा यहां पर एंड Dxt स्क्वायर में क्या हो जाएगा ध्यान देना Dxt स्क्वायर में क्या होगा हम लोग को करना है बेसिकली इस पूरे चीज का स्क्वायर तो डीबीटी इंटू डी जीरो DT का स्क्वायर जीरो DBT का स्क्वायर डीबीटी का स्क्वायर इज DT तो खाली एक ही टर्म बचेगा गामा टी स्क्वायर इंटू डी टी को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का कुछ ऐसा आएगा डेल एफ डेल एक्स टी इंटू गामा टी डीबी टी प्लस डेल एफ डेल्टी डेल एफ डेल एक्स टी इंटू डी टी डेल एफ डेल एक्स टी इंटू एटी प्लस हाफ डेल टू एफ डेल एक्स टी स्क्वायर, हाफ डेल टू एफ डेल एक्स टी स्क्र इंटू टी स्क्वायर होल इंटू डी टी होल इंटू डी ये वाला चेक कर लीजिए मतलब बोलने का मतलब क्या है एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी ठीक है फिर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटी इंटू डीएक्स टी सो डीएक्स टी ओपन करेंगे तो गामा टी डीबीटी है ना गाटी डीबी टी डेफ डेल एक्स टी, टी. खाली डीबी वाला एक ही बचेगा डीबीटी वाला खाली एक ही टर्म बचेगा यहां पर और बाकी सब डीटी में चला जाएगा और जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो डीटी स्क्वायर जीरो डीबीटी इंटू डी जीरो खाली डीबीटी का स्क्वायर बचेगा डी अब हम लोग को एफ टी एक्सटी दे दी है फोर टी स्क्वायर एक्सटी एक्सपोनेंशियल फोर टी स्क्वायर एक्सटी ठीक है सो so, एक बार इसको टी के रेस्पेक्ट में कर देखो इसका नाम है एफ टी एक्स टी तो जो भी भी इसको करेंगे तो ये तो आएगा ही so, सो डेल एफ t टी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सो so, एफ तो आएगा ही इंटू अंदर में टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटू ए टी है ना और मेरा एक्स टी रहेगा एज इट इज फिर डेल एफ डेल एक्स टी सो एफ so, रहेगा इंटू फोर टी स्क्वायर फिर डेल टू एफ डेल एक्स टी स्क्वायर एफ रहेगा इंटू सेकेंड ऑर्डर है ना सो बेसिकली फोर टी स्क्वायर तो रहेगा फोर टी स्क्वायर तो पूरा बाहर आ गया फिर एफ का करेंगे सो so, एफ का करने से एफ तो रहेगा है ना फिर दोबारा से फोर टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर ठीक है तो बस अब डाल दो यहां तो पर तो अपन निकाल ही चुके हैं कि क्या आएगा डेल एफ डेल एक्स टी डीबीटी ये सब डालते जाओ और क्या सो क्या आएगा फोर टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फोर टी स्क्वेर एक्स टी डीबीटी डीबी टी फिर प्लस ए टी एक्स टी एक्सपोनेंशियल फोर टी स्क्वायर एक्स टी प्लस फोर टी स्क्वायर Exponential four T square XT into eighty plus half into sixteen T to the power four Exponential four T square XT गामा टी स्क्वायर होल इनटू डीटी ये बहुत इजी क्वेश्चन था तीन नंबर अपना में है नहीं चार नंबर देखना कंसीडर अ पुट ऑप्शन ऑन अ डिविडेंड पेइंग शेयर विथ स्ट्राइक प्राइस के एंड मेच्योरिटी एट टाइम द करेंट टाइम इज टी एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर ये सब सब ठीक है राइट ऑन जस्ट अभी मैंने किया ठीक है जस्ट अभी मैंने किया बट मैं दोबारा एरो से समझा देता हूं क्वेश्चन नंबर फोर देखना इंक्रीज इन शेयर प्राइस तो शेयर प्राइस बढ़ेगा तो पुट का दाम गिरेगा इंक्रीज इन स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस का दाम बढ़ता है तो पुट का दाम बढ़ता है डिक्रीज इन दाइम टू एक्सपायरी तो कम टाइम रहेगा तो गिरेगा डिक्रीज इन डिविडेंड ईल्ड पुट है मतलब शेयर है शेयर है और डिविडेंड गिर जा रहा है मतलब पुट का दाम गिरेगा रिडक्शन इन द रिस्क फ्री रेट रिस्क फ्री रेट गिर रहा है मतलब मेरे लिए बढ़िया है क्योंकि मेरे पास में शेयर है इंक्रीज इन दी वोलेटिलिटी से बढ़ेगा एक्सप्लेन विदऑव जो चेंजेस इन वन मूव द प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन इन द सेम डिरेक्शन एज द प्राइस ऑफ अ पुट ऑप्शन तुम्हारा एक तो होगा टाइम टू एक्सपायरी और एक होगा वोलेटिलिटी टाइम टू एक्सपायरी इज टी एंड एफ ठीक है िटी so, जैसा कि मैंने बताया आपको विच इज ऑप्शन थ्री एंड ये वाला ठीक है ना सो टाइम टू एक्सपायरी एंड वोलाटलिटी ठीक है अ डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरी विल रेड्यूस द प्राइस ऑफ ऑल ऑप्शन बिकॉज दैलिटी बिकम्स लेस वैल्यूएबल एज द फाइनल आउटकम बिकम्स मोर सर्टेन कम टाइम में ऑब्वियस सब आता है ना मेरे फेवर में मूव करने का चांसेस कम रहेगा

ऑप्शन में नुकसान नहीं हो सकता है एंड इन द केस ऑफ कॉल अगर मान लो नीचे चला जाए जमीन में आ जाए शेयर प्राइस में को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज माई लॉस इज लिमिटेड टू द प्राइस ऑप्शन प्रीमियम दैट आई ठीक है ना सो आई होप सो दिस इज क्लियर ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर मस्ट बी क्लियर नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव ओके आ जाइए क्वेश्चन नंबर फाइव में आ जाइए अ नॉन डिविडेंट शेयर इज करेंटली प्राइज एट एट्टी शेयर प्राइस विल इंक्रीज बाय टेन परसेंट ऑफ फॉल बाय टेन परसेंट सो एट्टी से चालू करना है इंक्रीज बाय टेन परसेंट ऑफ फॉल बाय टेन परसेंट कॉल ऑप्शन इज रिटर्न ऑन द शेयर शेर स्ट्राइक प्राइस ऑफ सेवेंटी फाइव एक्सपायरी टू इय फोर्स ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट ऑप्शन का दाम निकालना है सो so सबसे पहले एट्टी uh, का हो जाएगा एट्टी एट नीचे जाने से सेवेंटी टू फिर दोबारा से हम लोग को करना है सो नाइंटी सिक्स पॉइंट एट यहां पर तुम्हारा आ जाएगा सेवेंटी नाइन पॉइंट टू और यहां पर तुम्हारा आ जाएगा सिक्सटी फोर पॉइंट एट ठीक है ना सो so, ये बहुत सिंपल चीज है ये हम लोग बना लेंगे उसके बाद में अगर ये वाला हम लोग बना लेते हैं इसके बाद में अपन को बनाना है क्यू सो क्यू इज वॉट ई टू दावर आर माइनस डी बाई यू माइनस डी ठीक है सो ई टू दावर जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइनस जीरो पॉइंट नाइन होल डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन ठीक है सो so, कितना आ रहा है जीरो पॉइंट सेवन फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव सिक्स फोर ठीक है ये अपना आ गया क्यू का वैल्यू अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए सेवेंटी फाइव है तो पे ऑफ जो अपना बन जाएगा पे ऑफ जो अपना बन जाएगा यहां पर आएगा ट्वेंटी वन पॉइंट एट यहां पर आएगा फोर पॉइंट टू और यहां पर आएगा जीरो ठीक है सो दिस इंटू क्यू स्क्वायर दिस इंटू टू इंटू क्यू इंटू वन माइनस क्यू और ये तो हट ही जाएगा ठीक है दिस इंटू क्यू फाइव परसेंट है ना सो दिस इंटू ई टू दर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू टू इंटू ई टू दर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू टू ठीक है टू इंटू क्यू किया है ऊपर जाके नीचे आ सकता है नीचे जाके ऊपर आ सकता है ठीक है ये पहला पार्ट हो गया फिर बोलता है इंडिविजुअल हैज वन थाउजेंड डॉलर टू इन्वेस्ट इन मेकिंग हिस्स इन्वेस्टमेंट चॉइसेस ही यूजेज यूटिलिटी फंक्शन समझ रहा है यूटिलिटी को और ऑप्शंस को मिला दिया है यूटिलिटी को और ऑप्शन को मिला दिया है अपने को दे दिया है यू डब्ल्यू सो बेसिकली यू डब्ल्यू इज डब्ल्यू टू दी पावर जीरो पॉइंट फाइव ठीक है उसके पास कितना है डॉलर्स हंड्रेड टू डॉलर वन थाउजेंड टू इन्वेस्ट कैलकुलेट द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ एट टाइम टू इफ यू इन्वेस्ट द एंटायर फंड एट टाइम जीरो इन अ बैंक अकाउंट रिटर्निंग द रिस्क फ्री रेट ठीक है शेयर कॉल ऑप्शन सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल सो शेयर का भी अपने को प्राइस दे दिया है एट्टी बोला बैंक अकाउंट रिटर्निंग द रिस्क दो टाइम टू पे निकालना है तो सबसे पहले बैंक अकाउंट का हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें बैंक अकाउंट का बात करते हैं ठीक है सो हजार को ईट दावर जीरो पॉइंट जीरो फाइव करके दो साल अपने को आगे लेके जाना है तो कितना आएगा कितना आएगा वन वन जीरो फाइव पॉइंट वन सेवन ये मेरा वेल्थ हो गया यूटिलिटी कैसे निकालेंगे वन वन जीरो फाइव पॉइंट वन सेवन टू दी पावर जीरो पॉइंट फाइव इसका रूट करिए तो कितना आएगा थर्टी थ्री पॉइंट टू फोर ठीक है ना यूटिलिटी निकालना है सो so बेसिकली एक शेयर का जो दाम है ऑप्शन टू में चलते हैं सो so, एक हजार में एक शेयर का दाम है अस्सी तो कितना शेयर वो खरीद पाएगा शेयर खरीदेगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव शेयर राइट ट्वेल्व पॉइंट फाइव मेच्योरिटी so, पे क्या क्या हो सकता है देखो मेच्योरिटी पे यहां पर अपने को क्या करना है? ये अपना सारा शेयर के प्राइसेज हैं ये सारे अपने शेयर के प्राइसेज हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 को तो कैसे करना है बताइए सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ 12.5 नाइन्टी सिक्स पॉइंट एट नाइंटी 96.8 पॉइंट फिर अपने करेंगे इन टू सेवेंटी नाइन पॉइंट टू इफ एम नॉट रॉन्ग सेवेंटी नाइन पॉइंट टू और फिर अपने करेंगे सिक्सटी फोर पॉइंट एट ठीक है ना तो ये अपना सारा वैल्यूज आ जाएगा तो इस तरीके से अपना तीनों वैल्यूज आ जाएगा वैल्यूज अपना आएगा बारह सो दस नौ सो नब्बे आठ सो दस ठीक है और फिर इन सबका यूटिलिटी निकाल लेंगे सबके क्या करेंगे 0.5 0.5 0.5 ठीक है ये हो गया और फिर इन सबका होने का प्रोबेबिलिटी अब देखो इसके लिए अपने को क्या बोला है अब देखो अर्ली ईच ईयर द शेयर प्राइस विल आइदर इंक्रीज बाय 10 परसेंट या तो वो 10 परसेंट से बढ़ेगा या फिर वो 10 परसेंट से गिरेगा दोनों का रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी अपने को दे दिया जीरो पॉइंट फाइव यूटिलिटी थ्योरी में यूटिलिटी थ्योरी में वी आर गोइंग टू यूज रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज यूटिलिटी थ्योरी में यूटिलिटी थ्योरी में हम लोग क्या करेंगे रियल वर्ल्ड के प्रोबेबिलिटीज को, करेंगे. के को यूज करेंगे रियल वर्ल्ड के प्रोबेबिलिटीज को हम लोग यूज करेंगे ठीक है सो रियल वर्ल्ड हम लोग क्यू जो निकालते हैं क्यू जो निकालते हैं दैट इज रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड का तो रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड का हम लोग खाली जब बायनोमल ट्री से जब वैल्यूएशन करेंगे तब यूज होगा ठीक है so, सो यहां पर हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज को यूज करेंगे सो हाउ आर यू गोइंग टू यूज द रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज सो अपने को पहला वाला जो आ रहा है यूटिलिटी यूटिलिटी यहां से बेसिकली ये जो अपने निकाले है ना इन तीनों का 0.5 0.5 फाइव करके सो so ये तीन अपना कितना आ जा रहा है ये तीन अपना आएगा एक आएगा अपना 34.79 34.79 फिर आएगा अपना थर्टी वन पॉइंट फोर सिक्स और फिर आएगा अपना ट्वेंटी एट है एट पॉइंट फोर सिक्स ये अपना आ गया अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे इन तीनों को आप अपन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सो थर्टी फोर पॉइंट सेवन नाइन विल बी मल्टीप्लाइड जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर फिर प्लस अपन करेंगे टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव इंटू थर्टी वन पॉइंट फोर सिक्स प्लस प्लस ट्वेंटी एट पॉइंट फोर सिक्स ट्वेंटी एट पॉइंट फोर सिक्स इंटू वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर यहां पर भी ये वाला जो एक जीरो पॉइंट फाइव है ये क्या है वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव है ये ठीक है ये वाला हो जाएगा सेम इज विथ कॉल ऑप्शन मैं ये वाला करूंगा नहीं बट मैं आपको मेथड दिखा दूंगा हजार रुपया है एक कॉल ऑप्शन का दाम है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स नाइन सो बेसिकलीवेंटी एट पॉइंट एट जीरो ऑप्शन और मैं क्या करूंगा जो पे ऑफ आया था ना कॉल ऑप्शन का तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा और ये वाला जो पे ऑफ था ये वाला जो पे ऑफ था ना ये 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 इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन ठीक है इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 78.80 को और अपने आंसर निकालेंगे ठीक है फिर अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई द रिलेटिव अपील ऑफ द चॉइसेस ए बी एंड सी अब इज कंसिस्टेंट विद द द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स यूटिलिटी फंक्शन तो क्या बोल रहा है अ यूटिलिटी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म इंप्लाइज अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर यूटिलिटी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म इंप्लाइज अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर बाइंग द शेयर इज रिस्कियर अपने तीनों का यूटिलिटी को मैच करते हैं अब ये समझ गया ना सेवेंटी एट पॉइंट एट जीरो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लाई किससे किससे करूंगा सबसे नीचे है जीरो सबसे नीचे है जीरो फिर है तुम्हारा सबसे नीचे है जीरो फिर है तुम्हारा फोर पॉइंट टू और फिर है तुम्हारा ट्वेंटी वन पॉइंट एट ट्वेंटी वन पॉइंट एट ठीक है ना तो ये तीनों से मल्टीप्लाई करके फिर अपने इसको करेंगे एंड ये याद रखना यूटिलिटी थ्योरी में हम लोग हमेशा रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज को यूज करेंगे यूटिलिटी थ्योरी में हमेशा हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज को यूज करेंगे ठीक है ना सो so ये अपना हो गया यूटिलिटी थ्योरी में हम लोग हमेशा रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज को यूज करेंगे ठीक है सो इसके बाद में क्या बोलता है यूटिलिटी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म इंप्लाइज अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर इसका मतलब क्या है इन्वेस्टर जो है वो रिस्क एवर्स है ठीक है बाइंग द शेयर इज रिस्कियर ंग इन दी बैंक अकाउंट एंड इन्वेस्टिंग ऑल दी फंड इन कॉल ऑप्शन इज रिस्क स्टिल ये कैसे पता लग रहा है तीनों का अपने यूटिलिटी कंपेयर करेंगे तीनों का अपने जो यूटिलिटी आ रहा है पहले वाले में अपना आ रहा है थर्टी थ्री बैंक अकाउंट वाले में आ रहा है थर्टी थ्री पॉइंट समथिंग फिर आ रहा है थर्टी वन पॉइंट समथिंग और फिर आ रहा है नाइनटीन पॉइंट समथिंग तो ये हो गया कॉल ये हो गया शेयर और ये हो गया बैंक अकाउंट तो अब वैसा बात है रिस्क एवर्स ही हुआ ना क्योंकि जैसे जैसे रिस्क बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका यूटिलिटी गिरते जा रहा है ठीक है यूटिलिटी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म इंप्लाइज अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर बाइंग द शेयर इज रिस्कियर धैन इन्वेस्टिंग इन दी बैंक अकाउंट एंड इन्वेस्टिंग ऑल द फंड इन कॉल ऑप्शन स्टिल इन्वेस्टिंग ऑल इन्वेस्टिंग ऑल द फंड इन कॉल ऑप्शन इज रिस्कियर ठीक है वी वुड डेयर फॉर एक्सपेक्ट द शेयर टू गिव अ लोअर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी दैन कैश इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनना वी वुड डेयर फॉर एक्सपेक्ट द शेयर्स टू गिव अ लोअर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी दैन कैश इसका मतलब क्या है वी वु देयर फॉर एक्सपेक्ट द शेयर टू गिव अर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैश एंड ऑप्शन गिव द लोअर यूटिलिटी अगेन रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स रिक्वायर पी ग्रेटर देन क्यू ठीक है बट यहां पर क्या है पी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव एंड क्यू मेरा कितना आ रहा है क्यू मेरा कितना आया था क्वेश्चन में मेरा क्यू आया था जीरो पॉइंट सेवन फाइव ये यहां पर हम लोग कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिए यहां पर हम लोग कॉन्ट्रोडिक कर दिए ठीक है यहां पर हम लोग कर दिए रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए होता है इज ग्रेटर देन बट यहां पर वो चीज होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है ठीक है यहां पर वो चीज होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है ठीक है सो तो ये मैंने अभी आप लोग को पांच क्वेश्चन कराया है ठीक है एक बार मैं देख लेता हूँ और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हट चुका है सो so, बाकी तो कुछ भी हटा नहीं है बाकी फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ठीक है थैंक यू